Hello guys and welcome back to Happy Dhirova Happy Homes by Reshma Giri. So today I'm here to show you one house tour of 2BHK because I so wanted to give this tour to everyone because बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे बोला था एक्चुअली कि आप सिर्फ वीडियो दिखाते हो, आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे चीज़ों के बारे में तो ज़्यादा बेटर होगा. सो वो फीडबैक को मैंने लिया है एंड आई थॉट क्यों ना मैं इस वीडियो के साथ ही स्टार्ट करते जहाँ पे मैं आपको रूम टूर दे सकूँ, सॉरी हाउस टूर दे सकूँ. सो बात करूँ बाहर की एक्चुअली. सो ये एरिया पे ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, ये जस्ट हमने टाइल्स की पैनलिंग की हुई है और यहाँ पे नॉर्मल सा एक वर्टिकल ग्रास लगा के यहाँ पे एक टू वे लाइट दे दिया हुआ है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था पैनलिंग करने का बिकॉज ये ओल्ड बिल्डिंग है. यू कैन सी यहाँ पे ये उनका एक लाइट्स का पैनल गया हुआ है जिसके वजह से पूरा बिल्डिंग का जो पॉइंट्स है वो इसी वॉल पे है. सो ये रीजन है एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये डिसीजन लिया, अदरवाइज तो प्लान में हम लोगों ने इस पर पैनलिंग ही करना था बट पाइपिंग पूरी गई हुई थी तो हमें अलाउड नहीं था कि हम यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा स्क्रू वगैरह मारें. सो ये रीजन से आई थॉट क्यों ना मैं इसको फिर इस वे में स्टाइल करूँ. आप मुझे बताओ ये ट्रिक आपको कैसी लगी. सो ये बात करते हैं हम सेफ्टी डोर की. सेफ्टी डोर भी हमने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है बिकॉज यू कैन सी ये एरिया काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है. यहाँ पे इनके फ्लैट के साथ ही दो फ्लैट और जॉइंट में है तो यहाँ पे दे वर नॉट हैविंग द ऑप्शन ऑल्सो टू कीप अ शोरैक ऑल्सो. सो इसलिए ये सेफ्टी डोर भी हमको इतना सिंपली रखना पड़ा बिकॉज दूसरों को प्रॉब्लम ना उसकी वजह से. यहाँ पे हम लोगों ने कोरियन जाली यूज़ की हुई छोटी सी बिकॉज उनको ज़्यादा बड़ी टैली नहीं थी एंड आई थॉट छोटी सी जाली काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है यहाँ पे. और ये जो वुड है ये थोड़ा सा टीक वुड शेड लिया हुआ है हमने सो दैट ये एरिया थोड़ा सा लाइट लगे बिकॉज ये एरिया में लाइट ज़्यादा नहीं है इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा डार्क वुड ना यूज़ करके लाइट वुड यूज़ किया है सो दैट एरिया जो है थोड़ा सा ब्राइट लगे. आप लोग के लिए भी एक सजेशन रहेगा गाइज मेरे साइड से कि अगर आपके लॉबी में भी ज़्यादा स्पेस नहीं है गो विद अ लाइटर शेड फॉर द सेफ्टी डोर इधर फॉर अ शूरा का समथिंग लाइक दैट सो दैट आपका एरिया थोड़ा सा ब्राइट लगे. सो आई आप लोग देख सकते हो ये हॉल जो है प्रॉपर एल शेप हॉल है एक्चुअली जहाँ पे उनको टीवी यूनिट के लिए एक अलग सा एरिया दिया हुआ है, सोफा यूनिट के लिए एक अलग सा एरिया दिया हुआ है. सो वी आर ऑल्सो प्लान लाइक दैट ओनली. सो ये आप देख सकते हो ये फुल सीलिंग टच हाइट हम लोगों ने टीवी यूनिट लिया है जिसके अंदर ये जो आप देख रहे हो जो टाइल जैसा लुक लग रहा है बट ये टाइल नहीं है, ये पीवीसी पैनल है. सो आप लोग अगर प्लान कर रहे हो कि हमको टीवी यूनिट के यहाँ पे कुछ टाइलिंग फिनिश और मार्बल फिनिश का लुक चाहिए सो हम इसके बदले में पीवीसी पैनल्स यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा सा थिक भी होता है एंड लुक में एग्जैक्टली मार्बल लुक देता है. सो ये रीज़न से यहाँ पे मैंने ये पीवीसी पैनल यूज़ किया हुआ है एंड उसी के साथ जो है मैंने ये एमडीएफ के लोअर्स लिए हुए हैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए. और ये टीवी यूनिट के अंदर हम लोगों ने ये टीवी यूनिट के अंदर मैंने दो ड्रॉज दिए हुए बड़े से ड्रॉज दिए हुए इनको. ये ओपन बॉक्स रखता है सो दैट दे कैन कीप देयर सेटअप बॉक्स कुछ भी न्यूज़पेपर एंड ऑल होगा वो भी रख सकते हैं. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओपन बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे वो अपने आर्टिफैक्ट्स वगैरह को भी हाईलाइट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे हमने अगेन स्टोरेज पार्ट दिया हुआ है बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी इस घर के अंदर आप जितना स्टोरेज दे सकते हो उतना स्टोरेज हमको देना. सो इसलिए यहाँ पे मैंने ये स्टोरेज बनाया हुआ है जो कि दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एक्चुअली बिकॉज उनको डेली रूटीन के कुछ चीज़ें थी उनको रखनी थी. सो आई डोंट वॉन्टेड कि वो पूरा सिंगल हम रखें जिससे कोई बैठा भी है अगर पूरा हम खोलेंगे तो ऊपर नीचे दोनों ही चीज़ें दिखाई देंगी इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में ऑर्गेनाइज किया हुआ है. कर्टन्स की बात करूँ कर्टन भी हम लोगों ने रूम के थीम के हिसाब से ही लिया हुआ है, डुअल डोर में लिया हुआ है सो दैट रूम को वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करे. सो यहाँ पे हम लोगों ने एल शेप का सोफ़ा यूज़ किया हुआ है थोड़ा सा ब्राउन और टैन शेड में. ये सोफे के साथ हम लोगों ने ये हेडरेस भी दिया हुआ है क्लाइंट को कि अगर उनको मतलब हेडरेस की ज़रूरत हो तो दे कैन गो विद द हेडरेस एज वेल और ये हेडरेस जो है ऐसे मूव करके आप बंद भी कर सकते हो. सोफ़ा कम बेड के टोन में ही मैंने यहाँ पे सेंटर टेबल लिया हुआ है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं सेटिंग पर्पस के लिए भी इफ़ दे वॉन्ट इन फ्यूचर. सो ये सेंटर टेबल सोफ़ा कम्बाइंड में था. इसके नीचे आप ये फ्लोर कारपेट देख सकते हो, ये थोड़ा सा रग हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है वुलन शेड में.
बात करते हैं अभी ये जो एल वाला लॉन्ग वॉल जा रहा है, ये बहुत अच्छा सा हमको वॉल मिला था लंबा सा। सो यहाँ पे पहले वी वर डिस्कसिंग कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एसेंट वॉल करेंगे विद द मोल्डिंग पट्टी जो काफी ज्यादा जिगजैग होती है वो वाली, बट फिर क्लाइंट का एक्चुअली थोड़ा सा रिक्वायरमेंट डिफरेंट था बिकॉज उनको ही इज अ वेरी यू नो बिग 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 फैन शिवाजी महाराज के। सो उनको एक वॉल चाहिए थे जहाँ पे वो उनके पेंटिंग को काफी अच्छे से हाईलाइट कर सके। सो इस रीजन से यहाँ पे मैंने इस वॉल को काफी ज्यादा सिंपल रखा है। यहाँ पे हमने सिर्फ ऐसे मोल्डिंग पट्टी के डिजाइंस ली हुई है और दो साइड मैंने यहाँ पे वॉल लैंप्स ऑर्गेनाइज कर दिए हैं और ये पेंटिंग रखी है। सो यहाँ पे ये जो शिवाजी की पेंटिंग है, राज्याभिषेक वाली इनकी पेंटिंग है जो काफी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली वॉल्स को भी काफी अच्छे से हाईलाइट करना है। हाँ बट मुझे चाहिए था कि ये पेंटिंग थोड़ी सी वर्टिकली हो जो कि नहीं हो पाए बिकॉज उनका पिक्चर ही जो है वो हॉरिजेंटल लुक में था। सो इस रीजन से ये हॉरिजेंटल लुक में है। ये डाइनिंग टेबल हम लोगों ने मार्बल टॉप में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसके चेयर्स को भी मैंने जो है मर्ज किया है हमारे सोफा के कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही, सो दैट ये लुक में जो है उसके साथ ही मैच हो जाए प्रॉपरली। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो चेयर दिया है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने ये बेंच सिटिंग प्लान आउट की हुई है जिसके साथ अगेन स्टोरेज वाला पार्ट है। ये मैट्रेस जो है आप हटा सकते हो एंड हटा के आई जस्ट शो यू क्विकली, जो सटा देंगे हम तो ये स्टोरेज वाला पार्ट बन जाता है। आप देख सकते हो अभी उनकी पूजा हुई है, काफ़ी सारा स्टोरेज उनका इनके इसके अंदर आ चुका है एक्चुअली। सो स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस घर में, तो मैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता था वहाँ पे स्टोरेज प्लान किया है। इसके साथ ही हमारा बेवलिंग मिरर, इसका वीडियो आपने रील तो देखा ही होगा ऑफकोर्स। सो ये डिज़ाइन में हमने थोड़ा सा काजू कतली डिज़ाइन और उसके साथ ही थोड़ा सा वर्टिकल स्ट्रिप्स लिए हुए थे। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा लुक में अच्छा लग रहा है रूम के हिसाब से। कलर कॉम्बिनेशंस की बात करो तो मैंने सीलिंग में यहाँ पे मॉर्निंग ग्लोरी शेड लिया हुआ है एंड जो वॉल कलर है ये थोड़ा सा नट शेड कलर लिया हुआ था बिकॉज हमको थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए था। सो मुझे थोड़ा सा डार्क शेड नहीं जाना था, इसके लिए मैंने मिडिल वाला सेक्शन सिलेक्शन किया। सम टाइम व्हाट हैपेंस कि हमको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को भी रिस्पेक्ट करनी होती है कि उनको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है। सो सोफे के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक अच्छे सा टेक्स्चर्ड वाला वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमने वॉलपेपर इसलिए लिया है एक्चुअली बिकॉज वॉलपेपर एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको एक टाइम के बाद चेंज भी कर सकते हो, काफ़ी कम कॉस्ट लगती है उसके लिए और आपके घर के लुक को आप अलग से चेंज दे सकते हो। एंड उसके साथ ये क्रिस्टल फिनिश में थोड़ा सा वॉच लगाया हुआ है जो सारे रूम के थीम के हिसाब से मैच हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो आपको एक ओपन टेम्पल दिखाई दे रहा होगा। सो लेट मी टेक यू इन द किचन एंड टेम्पल। सो आप देख सकते हो अभी ये वाला जो किचन था इनका एक्चुअली थोड़ा सा ओपन लुक में ही था, इसके लिए यहाँ पे मैंने ये पूरी फ्रेमिंग ली हुई है। फ्रेमिंग के साथ हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लूटेड ग्लास प्लान किया हुआ है बिकॉज ये एरिया डायरेक्टली किचन को विजिबल था और इनका गैस वाला सेक्शन भी ये एरिया में ही आ रहा था एंड ये एरिया में इनका रेफ्रिजरेटर भी आ रहा था, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक हिडन पार्ट भी मिल गया उनको एंड एक स्मॉल पार्टीशन काइंड ऑफ भी हो गया। सो मंदिर की दिशा के हिसाब से एक्चुअली इनका किचन में ही बैठ रहा था, इसलिए हम लोगों ने जो ये मंदिर है इस साइड प्लान आउट किया हुआ है। ये कोरियन जालीज है, कोरियन झालर है एक्चुअली जो डिज़ाइन किया हुआ है ये साइड भी। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो ये ओम वाला एक्रेलिक है जिसको प्लान किया हुआ है एंड देन यहाँ पे डिफरेंट शेल्फ है जो उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए था। मंदिर के साथ यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रे दिया हुआ है सो दैट अगर उनको भोग लगाना हो कुछ भी करना हो सो दे कैन यूज दिस ट्रे। एंड यहाँ पे एक ड्रॉअर दिया हुआ है सो दैट मंदिर के रिलेटेड जो भी सामान है वो रख सकते हैं एंड देन यहाँ पे इनको एक स्टोरेज दिया हुआ है सो दैट मंदिर के रिलेटेड जो भी सामान है वो इसके अंदर ही रख सके। सो ये हो गया मंदिर। मंदिर के साथ यहाँ पे हम लोगों ने किचन प्लान आउट किया है जो ग्रे कलर के टोन में है एंड जी सेक्शन का प्रोफाइल हैंडल यूज़ किया हुआ है। सो ये सारा ओपनेबल रखा हुआ है बिकॉज उनको ओपनेबल ही चाहिए था, हाइड्रोलिक नहीं चाहिए था। उसके साथ एक थोड़ा सा ओपन बॉक्स दिया हुआ है सो दैट दे कैन यू नो कीप देयर मग्स ग्लास और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे भी इनकी जो ट्रॉलीज है इसकी मैं बात करूँ तो एक्चुअली इनको कुछ ट्रॉलीज जो ये वाइट वाले आप देख सकते हो ये ट्रॉली एक्चुअली इनको बिल्डर के साइड से थी एंड ये सेक्शन में मरून कलर का ये था शटर्स, बट क्लाइंट का थोड़ा बजट नहीं हो रहा था इस रीज़न से मैंने उनको सजेस्ट किया कि हम एटलीस्ट कुछ नहीं तो सिर्फ वो मरून वाला जो शटर्स है
उसको चेंज करके उसको हम एटलीस्ट थीम के हिसाब थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। सो इस रीजन से मैंने फिर ये ग्रे शटर्स उनको रिप्लेसमेंट किया एंड ऊपर के सारे सेक्शन में हम लोगों ने ग्रे कलर लिया। सिमिलरली ये वाले साइड पर भी हम लोगों ने ग्लास का प्रोफाइल शटर रखा हुआ है सो दैट यहाँ पे थोड़ा सा वो अपने डब्बे वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी ये ट्रॉलीज वगैरह है यहाँ का भी मैंने शटर्स चेंज किया हुआ है। शटर्स चेंज करके हम लोगों ने यहाँ पे चैनल्स जो है वो मैंने सॉफ्ट फ्लोज यूज कर लिया है सो दैट यूजर्स के लिए वो काफी इजी रहे। तो ये हो गया इनका किचन। तो किचन वाला पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर ये इनको थोड़ी सी लॉन्ग पैसेज मिल रही है। पैसेज के यहाँ पे ये इनका वॉशरूम आ रहा है एक्चुअली कॉमन वॉशरूम। सो कॉमन वॉशरूम के डोर्स के जो भी है लैमिनेट्स हमने चेंज किए हैं उसके साथ ये जो फ्रेमिंग था एक्चुअली ग्रेनाइट फ्रेमिंग था सो वो मैंने ग्रेनाइट फ्रेमिंग को प्लाईवुड से कवर अप करके लैमिनेट फिनिश में फोटो फ्रेमिंग किया हुआ है सो दैट वो अच्छा लगे। सो गाइस हॉल का व्यू आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको जो इसका छोटा बेडरूम है वहां पे लेके चलती हूँ। सो दिस इज द कॉमन बेडरूम और इसका थीम जो है हमने थोड़ा सा ग्रे कलर में रखा हुआ है सो यू कैन सी। सो ये बेडरूम का थीम हम लोगों ने थोड़ा सा ग्रे और लाइट वुड शेड में मैंने रखा हुआ है। ये रूम एक्चुअली काफी ज्यादा छोटा था बट हमको कैसे यहाँ पे एक कपल के लिए ऑर्गेनाइज करना था इसके लिए बेड वगैरह की साइज हम छोटी नहीं कर सकते थे। सो यू कैन सी ये बेड का जो साइज है ये हम लोगों ने 5x7 का लिया हुआ है। वार्डरोब भी जो स्टैंडर्ड साइज है वही है। फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको ड्रेसिंग टेबल चाहिए था तो मैंने ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। सो यू कैन सी ये ऐसे पूरा लॉन्ग मिरर है एंड ड्रेसिंग टेबल के काम भी आ जा रहा है तो जनरली ऐसे पता नहीं चलेगा कि ड्रेसिंग टेबल है बट मिरर और स्टोरेज दोनों का काम हो जा रहा है हमारा। सीलिंग में भी यहाँ पे हमको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमको मेंटेनेंस फ्री चाहिए इसके लिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइन जो है कोब वगैरह देके नहीं किया है। जहाँ पे हम सीलिंग को थोड़ा नीचे उतारते हैं वो ना करके थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट इसके अंदर ही डाल दिया हुआ है सीलिंग के अंदर। सो ये सीलिंग वाला पार्ट हो गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वार्डरोब के अंदर उनको ओवरहेड कैबिनेट की स्टोरेज की ज़रूरत थी तो मैंने स्टोरेज ऑर्गेनाइज करा है एंड देन वार्डरोब के अंदर हम लोगों ने लाइट वुड कलर का लैमिनेट यूज किया हुआ है। ये लैमिनेट जो मैंने यूज किया है ये फाइन टच का है एंड इसके अंदर हम लोगों ने मैट ब्लैक टी पट्टी यूज किया है 12mm का। बाकी वार्डरोब वगैरह जो है इसके अंदर चैनल वगैरह जो भी है ये सारे सॉफ्ट क्लोज है। सो ये हो गया। फिर यहाँ पे हमको ऑफकोर्स बेड है तो बेड के बाजू में एक साइड टेबल की जरूरत होती है बट एज आई सेड बेडरूम बहुत छोटा था तो साइड टेबल ऑर्गेनाइज करना काफी डिफिकल्ट था बट डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने यहाँ पे एक क्रॉस साइड टेबल ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे वो अपने फोन या फिर बॉटल वाटर कुछ भी रखना है तो वो रख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा छोटा वाला बेडरूम जहाँ पे चीजों को हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखा है। लेट मी टेक यू टू द मास्टर बेडरूम कम विद मी। सो गाइज ये हो गया हमारा कॉमन बेडरूम। अभी मैं आप लोग को लेके चलती हूँ मास्टर बेडरूम की तरफ। सो ये मास्टर बेडरूम है एंड कंपेरेटिवली वो वाले बेडरूम से ये वाला बेडरूम थोड़ा बड़ा है। ये बेडरूम का थीम आप देख सकते हो काफी ज्यादा वार्म है एक्चुअली बिकॉज क्लाइंट को थोड़ा सा रिक्वायरमेंट था कि उनको ये वाला जो बेडरूम है वो थोड़ा सा वार्म लुक में चाहिए था। सो ये रीजन से ये वाला जो बेडरूम है मैंने थोड़ा सा वार्म ही रखा हुआ है इसलिए यहाँ पे लाइट जो है वो मैंने थोड़ा सा वार्म फिनिश में यूज किया हुआ है। यहाँ का कलर भी काफी ज्यादा सटल्ड कलर है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा न्यूड और वुड का कॉम्बिनेशन यूज किया है। सो यू कैन सी कि जो वार्डरोब है यहाँ पे हम लोगों ने सटल्ड कलर ही यूज किया हुआ है। ये थोड़ा सा न्यूड टोन यूज किया हुआ है और उसके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क वुड यूज किया हुआ है। ये टिंटेड ब्लैक ग्लास है और उसके साथ मैंने ये चारकोल पैनल यूज किया है विद द ब्लैक कंसील हैंडल। ये भी स्लाइडिंग जो वार्डरोब है ये भी हमारा सॉफ्ट क्लोज वार्डरोब ही है। सो सॉफ्ट क्लोज की वजह से थोड़ा सा कैसा है उसका जो चैनल है चलाने के टाइम पे काफी ज्यादा ईजी होता है और बेड के पास हमको प्रॉपर जगह चाहिए थी इस रीजन से मैंने यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब रखा हुआ है। यू कैन सी सो यहाँ पे प्रॉपर उनको स्पेस मिल रहा है वॉक अराउंड करने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने दो साइड टेबल दिया हुआ है उसके ऊपर का टॉप जो है वो थोड़ा सा वुड फिनिश में ही रखा हुआ है विद द ब्यूटीफुल लैम्प। ये रूम के अंदर कहीं पे भी कोई कलर वाइब्रेंट नहीं था। कलर को एक्चुअली वाइब्रेंट क्लाइंट को भी नहीं चाहिए था बट थोड़ा सा रूम को हमको एक अलग सा ट्रेंड देना था इसलिए मैंने हेडबोर्ड जो है यहाँ पे ये बॉटल ग्रीन शेड में यूज किया हुआ है। ये जो हेडबोर्ड है ये चेस्टर फिनिश डिजाइन में है और ये थोड़ा सा लेदर वेलवेट फिनिश का कपड़ा है। इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे रॉयल टच का यूज किया हुआ है दस वॉलपेपर
जो कि काफी ज्यादा रूम को हाईलाइट कर रहा है, बिकॉज ये पूरा एम्बोस्ड किया हुआ वॉलपेपर है, तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा। सो ये रूम के साथ अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी। वेल, बेड की बात करूं मैं, तो बेड यहाँ पे हम लोगों ने 6x6.5 का लिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे साइज थी हमें, तो उसको हमने यूटिलाइज किया है उस हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टडी यूनिट है, सो यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी यूनिट लिया है बिकॉज उनके घर पे एक छोटी बच्ची है एंड उसको स्टडी के लिए कोई भी स्पेस नहीं था, बिकॉज हॉल में भी हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे उस चीज़ को, और वो बेडरूम छोटा था, तो ये इकलौता बेडरूम मेरे पास बचा था जहाँ पे मैं वो चीज़ प्लान आउट कर सकती थी। एंड क्लाइंट की ऐसे रिक्वायरमेंट भी थी कि उनको अपनी डॉटर के लिए एक अलग सा छोटा वार्डरोब चाहिए था, जो कि इस वार्डरोब में एक्चुअली नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिंगल वार्डरोब दिया हुआ है जिसके अंदर मतलब शी कैन ऑर्गेनाइज हर थिंग्स एंड ऑल। और ऊपर मैंने ये स्टोरेज दिया हुआ है जहाँ पे मतलब शी कैन यू नो कीप हर बैग्स बॉक्स समथिंग लाइक दैट। और ये एक छोटा सा ओपन बॉक्स दिया है जहाँ पे शी कैन कीप हर पेंसिल बॉक्स बुक्स नोट बुक्स कुछ भी रख सकती है। ये स्टडी यूनिट के साथ हमें यहाँ पे सॉफ्ट बोर्ड दिया हुआ है, उसके नीचे मैंने ये प्रोफाइल लाइट जो है इसको कंसील्ड किया हुआ है, सो दैट अगर सारी लाइट्स को बंद करके भी उनको स्टडी के लिए सिर्फ ये एरिया यूज़ करना है तो शी कैन यूज़ दैट थिंग। यहाँ पे हम लोगों ने ये ट्रे यूज़ किया है, नोटपैड ट्रे, जो वो यूज़ कर सकती है अपने डेली रूटीन के लिए। और ये एक ड्रॉअर दिया हुआ है जिसके अंदर मतलब शी कैन यूटिलाइज फॉर कीपिंग हर स्टफ्स एंड ऑल दैट। सो गाइज, ये हो गया हमारा सेकंड बेडरूम का टूर। डू लेट मी नो आपको ये 2 BHK फ्लैट के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके बताइए कि आपको ये रूम टूर कैसा लग रहा है। बिकॉज जनरली अभी तक के मेरे सारे ब्लॉग्स में मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लैट के इंटीरियर वीडियोज ही दिखाती थी। मुझे लोगों के फीडबैक्स थे कि यू शुड यू नो गो एंड एक्सप्लेन द स्टाफ कि आपने उसको कैसे बनाया है, क्या चैलेंज है। चैलेंजेस की तो मैं बात नहीं करूँगी इसके अंदर फॉर श्योर, बट हाँ मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये घर कैसा लग रहा है। और बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये कॉस्ट वाइज बहुत ज्यादा हाई गया रहेगा, सो ये कॉस्ट वाइज भी ज्यादा हाई नहीं गया है एक्चुअली, बट मैं कॉस्ट जो है वो रिवील नहीं कर सकती बिकॉज वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। एंड डू लेट मी नो गाइस कि आपको ये घर कैसा लग रहा है, एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड या अगर आप लोगों को चाहिए कि आप भी घर को अपने इंटीरियर कराना चाहते हो अच्छे से बजट के अंदर, सो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दे रही हूँ हमारी ईमेल आईडी, जहाँ पे आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, हमारे इंस्टा पेज पे जाके भी हमें डीएम कर सकते हो। सो ये मेरा इंस्टा आईडी है और ये मेरा ईमेल आईडी है एंड व्हाट्सएप नंबर भी है। सो आप इस पे कमेंट करके मुझे बताइए अगर आप भी प्लान आउट कर रहे हो इंटीरियर के लिए। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। हमारे इधर जे के बाजू में जो के है उधर हम आते जाते देखते थे कि वह हैप्पी इंटीरियर का ऑफिस है उधर, लेकिन खाली बाहर से ही देखते थे कि इधर इंटीरियर का ऑफिस है। लेकिन हमें ये जब फ्लैट खरीदने के बाद हमको इंटीरियर करने का था, तभी हम गए कि वह हमको ऐसा ऐसा ये चीज़ करने का ऐसा। तो जो मैडम ओनर मैडम है रेशमा मैडम, उन्होंने बताया कि मैं एक अच्छे से आपको थीम दूंगी या कलर वगैरह आप चूज़ करो, उसी हिसाब से आपको क्या क्या बनाने का है वो बताओ, मैं आपको एक अच्छा बना के दूंगी। फिर उन्होंने जो हमने जो 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 उनको शू रैक से अंदर तक सब जो बोला, तो उन्होंने सब अच्छी तरह से एकदम डिज़ाइन करके उसको 3 यानी कि कलरिंग वगैरह सब क्वालिटी वाइज सब अच्छा बनाया, और जो भी फर्नीचर हुआ या कलरिंग का काम हुआ ये सब बहुत अच्छा बनाया मैडम ने। और सब ईचा न्योरी काम में उनका पूरा ध्यान रखिए कि किधर कुछ गलती ना होना चाहिए, सब अच्छे से फिनिशिंग होना चाहिए। और जो होने के बाद जब पूरा क्लियर होने के बाद सब काम अगर होने के बाद जो भी हमने जो प्रोग्राम रखा था, सब जब भी जब सब लोग आए थे तो सबको इतना अच्छा लगा कि देखने के बाद सब बोलते थे कि पैसा गया लेकिन चीज़ अच्छा मिला, जो क्वालिटी है काम का वो भी अच्छा है और फिनिशिंग अच्छी है और देखने में बहुत अच्छा लगता है।